हेलो फ्रेंड, दिस इज़ हनी ये एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए और प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मटर कीमा पुलाव। वाइट पुलाव है खड़े मसाले के साथ, बहुत ही लजीज और बहुत ईजी टू मेक है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टोव पे एक बड़ी देगची रखी है जिसमें पुलाव रेडी करना है। स्टोव मेरा हाई फ्लेम पे ऑन है, तो यहाँ पे हाफ बॉल से थोड़ा सा कम मैं ऑयल ऐड करूँगी। आप घी के साथ भी ये पुलाव बना सकते हैं। पुलाव को ये ऑयल को अच्छे से हमने गर्म कर लेना है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने इसमें एक बेली ऐड करना है। 1 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च। 3 अदद यहाँ पे बादियान के फूल ऐड करूँगी। 2 सिनेमन स्टिक्स हैं, 2 हरी इलायची हैं, 1 मोटी इलायची जिसे बड़ी इलायची कहते हैं, 4 लौंग हैं और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा है। तो ये सारे स्पाइसेस इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे और फ्रेग्रेंट आने तक, खुशबू उठने तक हमने इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। 1 मिनट में ही बड़ी जल्दी से खुशबू उठनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज अनियन है जिसे मैंने फाइन स्लाइस किया हुआ है। इस टाइम पे ये ऐड करेंगे और इसको जस्ट हमने इसका कच्चापन खत्म करने के लिए 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेने हैं। हमने इसका कलर चेंज होने नहीं देना है। 1 से 2 मिनट इनको फ्राई कर लिया, उसका कच्चापन खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून जीरे गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। जस्ट 30 सेकेंड इसको हम फ्राई कर लेंगे। 30 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे मेरे पास 1/2 kg मिल्क है। आप बीफ का, मटन का, कोई भी मिल्क यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया और इसको हम कलर चेंज होने तक हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। कीमे को अच्छे से हमने कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया। तो अब यहाँ पे मैं 1 बॉल पीस इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसे 2 मिनट हम मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हमने इसमें 2 अदद मीडियम साइज टमाटर ऐड करने हैं। साथ ही जाएंगे 4 to 5 ग्रीन चिली। इसके साथ ही हमने बहुत सिंपल से स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे 5 टेबल स्पून सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 1 kg राइस में बना रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे सरसों का पाउडर है। 1 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे धनिया पाउडर ले रही हूँ मैं। 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर है और यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं टर्मरिक पाउडर ले रही हूँ, हल्दी पाउडर है। ये सब चीज़ें हमने ऐड कर दी और फिर जस्ट हमने इसे 2 मिनट मिक्स कर लेने के ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। थ्री मिनट्स हमने इसे कवर करके कुक होने का टाइम दिया विदाउट एडिंग एनी वाटर, के ताकि हमारे जो कीमा है, मटर है, उसे कुक होने का टाइम मिले और जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। तो ये ऑयल सेपरेट हो गया और ये सब चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हमने जस्ट वाटर ऐड करना है। मैं हमेशा राइस से डबल वाटर ऐड करती हूँ। इस बॉल से मैंने 3 बॉल राइस लिया है, तो इस बॉल से मैं 5 बॉल यानी डबल से 1 बॉल कम वाटर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मेजरमेंट भी यूज़ कर सकते हैं वाटर ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे 5 बॉल वाटर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और इसे हम बॉयल होने का वेट करेंगे। तो हाफ ये फुल फ्लेम पे हम इसे बॉयल करेंगे। पानी में बॉयल आ गया। हमने जो अब राइस पानी में सोख करके रखे थे, मैंने इसे 30 मिनट पानी में सोख करके रखा है। ये जस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम में 5 to 7 मिनट हम इसे टाइम देंगे अंटिल के हमें राइस ज़्यादा और पानी कम नज़र आना शुरू हो जाए। तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इसे ऐसे हल्का हल्का सा जस्ट हम मिक्स कर लेते हैं और इसे 4 to 5 मिनट हमने हाई फ्लेम में कुक करना है। 3 to 4 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पानी कम और राइस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है। एक तो आप इस टाइम पे सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं, मैंने चेक कर लिया, परफेक्टली डन है। हम इसे कवर कर लेंगे। हमने देनी है दम बिल्कुल स्लो फ्लेम करके, हम इसको 10 टू 15 मिनट्स दम देंगे। 15 मिनट्स हो गए हमने लो फ्लेम पे इसको दम पे दिया हुआ था। क्या ज़बरदस्त इसका दम हो गया है और पूरे घर में बिलीव में इसकी खुशबू फैल गई है। तो अब इसको हम केयरफुली करते हैं मिक्स, स्टॉप करते हैं स्विच ऑफ और मिक्स करके इसे करते हैं सर्व।
जी फ्रेंड, हमारा झटपट खड़े मसाले का कीमा मटर पुलाव परफेक्टली रेडी है। आपने खुद देखा कितनी जल्दी कितनी इजीली ये रेडी हो जाता है। इट्स अ मस्ट आवर रेसिपी, ट्राई इट। इफ़ यू विल लाइक दिस रेसिपी, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेक योर कुकिंग इजी एंड फन विद मी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।